नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। ये सच है कि ऐसा देश में पहली बार हुआ जब देश ने मुर्दों का शोर सुना। देश को अपने आगोश में लेती कोरोना महामारी में पहली बार जिंदा लोगों को खामोश देखा गया। लेकिन क्यों, क्या इसका जवाब किसी के पास नहीं है? तो मान लिया जाए कि ऐसे में मोदी सरकार की नौकरशाही फेल हो गई, क्योंकि ये किसी से नहीं छिपा कि कहीं ऑक्सीजन के संकट में लोगों की सांस अटक गई थी तो कहीं अस्पताल के सामने ही कोरोना से पीड़ित लोगों ने दम तोड़ दिया था। कहा तो यही जाना चाहिए कि कोरोना को रोकने में सरकार पूरी तरह से फेल रही। ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने उस वक्त साफ कर दिया जब उन्होंने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए ये कह दिया कि भारत सरकार ने भ्रम में रहते हुए कोरोना को फैलने से रोकने के लिए काम करने के बजाय अपने कामों का श्रेय लेने पर ध्यान दिया। ऐसे में उन्होंने ये तक कह दिया कि भ्रमित मानसिकता की वजह से कोरोना महामारी को रोकने में काफी दिक्कतें पैदा हुई। प्रख्यात अर्थशास्त्री ने राष्ट्र सेवा दल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत अपने दवा निर्माण के कौशल और साथ ही उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से महामारी से लड़ने के लिए बेहतर स्थिति में था। सेन की ये टिप्पणियां कोरोना विषाणु महामारी की दूसरी लहर की पृष्ठभूमि में आई है। कुछ प्रतिष्ठित लोगों का कहना है कि पहले ही विजय होने की भावना से ये संकट पैदा हुआ है। सेन ने कहा कि सरकार में भ्रम की वजह से संकट से खराब तरीके से निपटने की बजाय भारत अपनी क्षमताओं के साथ काम नहीं कर सका। खैर, अमृत सेन ने जो कुछ कहा सही तो कहा है, क्योंकि जब देश की जनता मर रही थी, भटक रही थी, तब सरकार को कोरोना से जीतने के लिए नहीं बल्कि चुनाव से जीतने की सरकार रणनीति बना रही थी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।